ही वही आईएल T20 डेवलपमेंट टूर्नामेंट सीरीज का एक बेहतरीन T20 मुकाबला के बारे में जो खेला जाएगा GZD वर्सेस MAR के बीच में। दोस्तों GZD की टीम लास्ट लगे में हारी थी, और मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इनकी टीम हार गया रही, इनकी टीम जीत गया रही, दोनों टीम ने ऑलरेडी एक एक मैचेस जीती थी। हमने वही आईएल T20 डेवलपमेंट टूर्नामेंट में कल मैचेस हमने कवर किया था, काफ़ी विनिंग मतलब करे थे। कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन आपको विनिंग करा के दे आज वाला भी गेम में। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, स्मॉल लीग हेड टू हेड का पिक, GL का पिक, वीडियो का अप्लाई करके स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं कराया तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे अपडेट हो, क्या होता है कि जो भी हमारी स्मॉल लीग की टीम्स होती है हम जिस टीम से खेलते हैं सेम टीम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ेंगे या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @FXpot। 14,400-500 के समथिंग सब्सक्राइबर वाला आपको चैनल देखने को मिलेगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मैचेज रहेंगे 10:30 बजे नाइट को, क्योंकि आज का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा उस 6:30 बजे दोपहर को, उसके बाद 10:30 बजे वाला दूसरा मुकाबला रहेगा आज का दिन का, ठीक है। MAR की टीम लास्ट लगे हम खेली थी और 70 रन से जीता था। ओपनिंग करा गए थे अरेहान शर्मा, इनके साथ आए थे अब्दुल खालिक अहमद जाई। अरेहान शर्मा को हमने विकेट की पसंद से रखा था दोस्तों, और आपके लिए एक बेहतर पिक रहेंगे। खेलते हैं तो ओपनिंग करा कर देंगे, लास्ट लगे में इन्होंने 7 रन करे थे, ठीक है। अब्दुल अहमद खालिक जाई ने 0 पे आउट हुआ था, बट इन्होंने भी ओपनिंग करी थी, हालांकि दोनों को ही विकेट कीपर में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन अरेहान शर्मा को आपको लेने हैं। विष्णु सुकुमार ने 29 रन करे थे, बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है, मैंने रखा तो, और आपको अगेन पिक करने हैं क्योंकि दोनों ओपनर में से आपको शर्मा को रखने हैं। विष्णु सुकुमार ने दूसरा पिक हो गया, अहमद तारिक बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है, मैंने बोला था कि ठीक ठाक बल्लेबाजी करा लेता है, क्योंकि रिसेंट में बुखा थी T10 में ठीक ठाक करा था। अरेहान सक्सेना ने कुछ खास नहीं करी थी, केवल 1 रन था, मैंने रखा भी नहीं था। मैंने फरीद को रखा था, 2 रन करके गए थे, 1 विकेट भी निकाले थे, हालांकि बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल, लेकिन प्रॉपर ऑलराउंडर है। नीलांश केसवानी टीम के बढ़िया विकेट टेकर बॉलर है, भले लास्ट लगे में 2 ही ओवर मिला हो, लेकिन ठीक ठाक बॉलर है। माधव मनोज को अगर टीम ऊपर खिलाएगी तो और भी बेहतर स्कोरिंग कर सकते हैं, तो GL वगैरह अगर टीम में आप इन पर फोकस करिएगा, मिड ऑर्डर बल्लेबाजी बहुत टाइट है। संचित शर्मा 48 रन, 1 विकेट, 4 ओवर की बॉलिंग करा के कैप्टेंस वाइस कैप्टेंसी लाइक प्लेयर है। जहूर खान को हमने रखा था, सिलेक्शन इनका काफ़ी कम था, 2 विकेट निकाले थे, और आपको अगेन इनको पिक करने हैं। रोहित खान को भी मैंने रखा था, 3 विकेट इन्होंने भी निकाले थे। अब्दुल रहमान नासिर GL वगैरह का पिक रहेगा, क्योंकि इन्हीं का ओवर कट हुआ था लास्ट लगे में थे। नीलांश केसवानी अगर आपको पूरा 4 ओवर डालेंगे ना, तो फिर उस कंडीशंस में अब्दुल रहमान नासिर आपको ओवर डालते नजर नहीं आएंगे। सबसे बेहतर रहेंगे अरेहान शर्मा पहला पिक, विष्णु सुकुमारन दूसरा, तीसरा में स्मॉली की टीम्स में तारिक को रख रहे, जवाहर फरीद, नीलांश केसवानी, संचित शर्मा, जाहूर खान, और इन दोनों में से आपको रोहित खान को रखने हैं। बैच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं, हर्ष देसाई, शाहजेब खान, वसीम मोहम्मद, बढ़िया बढ़िया ऑलराउंडर, बढ़िया बढ़िया बॉलर इस टीम से भी बेंच पे बैठे हैं। सामने वाला टीम है गल्फ जायंट्स डेवलपमेंट की टीम से, टीम ने ऑलरेडी टूर्नामेंट में एक मुकाबले खेली थी और इनकी टीम ने चेज करी थी, 143 रन पर पूरा 10 विकेट गिरा था। वहाँ पर ओपनर इनका था समल था, इनके साथ आए थे मोहम्मद इरफान। मैंने बोला था कि भले मोहम्मद इरफान है बॉलिंग सेक्शन में, लेकिन खेलते हैं तो ओपनिंग करा कर देंगे। अब इनको ऑलराउंडर सेक्शन में रख दिया गया है, लास्ट लगे में तो भाई इनको लोग ले ही नहीं रहे थे, हमने इनको VC किया था, काफ़ी पैसे भी इन कर रहे थे, क्योंकि मेरे को पता था कि ओपनिंग करेगा, 4 ओवर डालेगा, मैंने VC किया था, आप टीम देख सकते हो, ठीक है। बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है नो डाउट, कैप्टेंस वाइज कैप्टेंसी का बेस्ट ऑप्शन। समल को भी हमने रखा था, बल्लेबाजी से ओपनिंग करा कर देंगे, इनका भी सिलेक्शन अभी भी बहुत कम है बल्लेबाजी में। इनका एक बार आपको दिखा दूँ रिकॉर्ड, तो खतीर T20 मैच में 23 के अंदर 4 मैच में 148 रन है, 13 ओवर डाल के 5 विकेट है। बॉलिंग मिल सकता है तो विकेट भी बहुत टाइट निकालते हैं। वरदित्या अरविंद ने लास्ट लगे गेम में 1 रन करा था, विकेट कीपर सेक्शन में अवेलेबल है। अगर आप सामने वाली टीम से विकेट कीपर में अरेहान शर्मा को ले रहे हो, मतलब उनमें से या इनमें से किसी एक को रख लो, क्योंकि दोनों का सेम प्लेइंग बैटिंग ऑर्डर है। सैयद हैदर वासी साहब 14 रन विकेट कीपर में, इनके 2 विकेट कीपर में आपको एक को लेने हैं, तो अरविंद को रखो। आर्यन लकारा कैप्टेंस वाइस कैप्टेंसी लाइक प्लेयर, लास्ट लगे में 0 पे आउट हुआ था, बट 4 ओवर डाले थे, तो बॉलिंग बैटिंग पूरा पूरा फुल करेंगे। उजैर हैदर मलिक कुछ खास नहीं करिए, मोहम्मद सगीर खान 41 रन, 1 विकेट, 3 ओवर डाल के मैंने रखा था, और अगेन पिक करूंगा। हमीद खान वैसे तो ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन लास्ट लगे में सब टूट में थे ना हमीद खान, इसलिए इनको टीम काफ़ी नीचे खिलाया था। अयान अफजल खान ने 28 रन करे थे, जुहैब जुबैर 3 ओवर डाली थी, विकेट लेस गए थे, बढ़िया बॉलर है। जिसान नासिर को हमने रखा था, 1 विकेट इन्होंने भी निकाले थे। सलमान सलीम कुछ खास नहीं है। देखो आप स्मॉल लीग की टीम में समल पहला, इरफान दूसरा, इन दोनों में से तीसरा अरविंद रहेगा, चौथा लकारा को आप पिक करो, पांचवा सगीर खान, छठा अगर आपको लेना है तो नासिर को ले लो।
क्योंकि साउंड वाली टीम भी बेहतर टीम है दोस्तों, तो दोनों टीमों से आपको लेने हैं। विकेट कीपर में हम स्मॉली क्रीज में रैन शर्मा को रखेंगे, उनके अलावा अरविंद को पिक करेंगे। बल्लेबाजी क्रम में विष्णु सुकुमारन रहेंगे, जवार फरीद रहेंगे और यहाँ पे मैं समल को पिक करूँगा। फिराइंग ऑलराउंडर सेक्शन में सगीर खान को पिक करेंगे, आर्यन लकारा, संचित शर्मा, मोहम्मद इरफान। बॉलिंग में आएंगे दोस्तों नीलांश केसवानी रहेगा, रोहित खान रहेगा, आप उनके जगह पे यहाँ पर जहूर खान को ले सकते हो केसवानी की जगह पे, लेकिन केसवानी को अभी के लिए मैं रखूँगा। बल्लेबाजी क्रम में आएंगे समल को छोड़ करके मैं स्मॉली की टीम में जहूर खान को रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा विकेट गिर रहे, ज़्यादा रन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद इरफान को मैं कैप्टन करूँगा, वाइस कैप्टनशिप लकारा रहेगा। अभिषेक कर सकते हो, संचित शर्मा को लो कैप्टनशिप, वाइस कैप्टन संचित शर्मा को कर रहे हैं क्योंकि लास्ट प्ले गेम में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा था इसी की वजह से। लेकिन जो बेहतर बल्लेबाज है, बेहतर ऑलराउंडर है, आप उनके साथ सी बी सी जाइएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। टीम टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक।